सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कौन कौन तैयार है झूठी के ढाबे पे खाना खाने के लिए? आप सबको देखिए इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी कम्युनिटी से, जैसा कि झूठी ने लगाया था कि मैं बहुत जल्दी जो है टिफिन सर्विस शुरू करने वाली हूँ। अरे बहन, मैं तो ये कह रही हूँ टिफिन सर्विस छोड़, जैसे बाबा जी का ढाबा फेमस हुआ था ना, वैसे ही तू ढाबा खोल ले, नाम लिख ले झूठे का ढाबा। अच्छा, झूठी मैं इसलिए बोलती हूँ यार क्योंकि नहीं, सच नहीं बोलती। पहले भी जैसे अब ये बोल रही ना टिफिन सर्विस शुरू करूंगी, टिफिन सर्विस शुरू करूंगी, 60 रुपए में प्रॉपर आपको खाना मिलेगा, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा 40 रुपए में, जिसमें आलू के पराठे फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। मैं ये झूठी का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले इसने ये भी बोला था कि मैं बहुत जल्दी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करूंगी ना। मैं यहाँ पे इस वाले घर की सफाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ जहाँ पे मैं 10th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन दूंगी। लेकिन उस ट्यूशन का क्या हुआ, क्या हुआ? ये सिर्फ मेरे को लगता है ये ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप की हरकतें करती रहती है। और अब जब ये बात आई टिफिन वाली, तब तो भैया बहुत बड़ा मजाक हो चुका है। इसने कम्युनिटी में ये भी छापा था कि मैं अपने ससुराल में इतना खाना बनाती थी, मैं ये काम करती थी, वो काम करती थी। तो एक बात बताइए, चलिए मैं हूं, अगर मुझे खाना बनाना आता है, ठीक है, और अगर 2-3 साल अगर मेरा गैप हो गया तो क्या मुझे खाना बनाना क्या मैं भूल जाऊंगी? नहीं ना। और 2-3 साल के इंसान भूखा ही रहेगा? नहीं, वो खाना बनाएगा ना। ससुराल से जब मायके में आई तब भी तो खाना तू बनाती होगी, तब भी तो खाना खाती होगी। तो तू इतना झूठ क्यों बोलती है कि तुझे खाना बनाना आता है? देखो, वो तो इसके व्लॉग से दिख जाता है कि इसको खाना बनाना आता है या नहीं आता, किस तरीके से ये खाना बनाती है, ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को क्या खिलाती है। इसके बच्चे से मुझे याद आया, इसके बच्चे को एपिलेप्सी है। तो किसी ने देखा कभी इसे कि उस बच्चे को लो कार्ब हाई फैट और मीडियम प्रोटीन इसको देते हुए? कभी नहीं, क्योंकि जो ये बीमारी होती है ना, इसके बारे में मुझे टचवुड नॉलेज है क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे रिलेशन में किसी को थी, तो इसलिए मुझे पता है डाइट के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। उसमें क्या होता है कि आपको हाई फैट, मीडियम प्रोटीन और लो कार्ब देना होता है। लो कार्ब का मीनिंग होता है कि आप उस बच्चे को कॉम्प्लेक्स कार्ब दोगे। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है कि अलग अलग तरीके के आप उसको अनाज दोगे, उसको आप मैदे से दूर रखोगे, लेकिन नहीं, ये उस बच्चे को देती है रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स आप जानते हैं जो मैदा बोला जाता है ना, पिज्जा खिला रही है, आज मेरे बच्चे भटूरे पैक करके स्कूल में दे रही है, अगर कार्ब्स खिला रही है तो उसमें चावल ही चावल खिलाई जा रही है। तो कहां से भाई ये कहां से ध्यान रख रही है, इस चीज में बिल्कुल जीरो है। इसने ना कल परसों एक लाइव की थी रात को, आप लोगों को पता होगा, जहां पे ये लोगों को बोल रही थी आओ मेरी लाइव में, मेरे बच्चे को डांटो, मेरे बच्चे को बोलो कि दूध पिएगा, कुछ खाता ही नहीं है और मेरे हाथों से तो कुछ भी नहीं खाता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे पे किसी ने कुछ कर रखा है, मेरे हाथ से खा के ही खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि तुमने कभी नहीं खिलाया। इस बच्चे को इसकी माँ ने पाला है और इसकी माँ की मैं तारीफ करना चाहूंगी, जो भी उस दिन इसकी माँ ने अपने बेटे की वीडियो में बोला था बिल्कुल सच बोला था, क्योंकि इसकी माँ ने उस वीडियो में ये बोला था कि विहान तो मेरे हाथों से ही दूध पीता है, रात को भी मैं उसको अपने हाथ से दूध पिलाती हूँ तब वो दूध पीता आता है। और ये चीज लाइव में उस दिन प्रूव हो गई थी, इसकी माँ ने जब उस बच्चे को दूध पिलाया तो उसने सारा दूध पी लिया। ये जो है बेफालतू में माँ को बदनाम करती है वीडियो में, ये भी आज प्रूव हो गया। बच्चा इसकी माँ ने पाला है, माँ इसके घर का काम करती है और इवन वीडियो में भी दिखा रही थी कि मम्मी आई है देखो मेरे घर के जाले उतार रही है। तुम्हारी मम्मी को इतनी तुम्हारी क्यों चिंता है सोचो? फिर ये बोलती मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती। नहीं प्यार करती अगर वो तुम्हारा काम कर रही है, तुम्हारे बच्चे को देख रही है, तुम्हारे बच्चे के प्रति उसके मन में इतनी ममता है तो ये प्यार ही तो है, और कैसा प्यार करे भाई। देखो इसने जो टिफिन सर्विस वाली की है तो सच में बहुत बड़ा जोक है। इसको भी पता है कि मैं बिल्कुल भी काम करना मुझे नहीं आता है, कुकिंग में नील बटा नील हूँ, इसको सब कुछ पता है। जो अपने बच्चे को एक पराठा तक ढंग से बना के नहीं दे सकती वो क्या किसी के लिए टिफिन बनाएगी? और दूसरी बात ये देखो, पहली बात तो ये किसी की सुनती नहीं, फिर भी मैं इसको सजेशन देना चाहूंगी कि भाई अगर तो टिफिन सर्विस स्टार्ट कर रही है ना तो कोई एक हेल्पर रख ले जो जिसको बहुत अच्छी कुकिंग आती हो, ठीक है। तो जो हाँ ये है कि उसको सैलरी देनी पड़ेगी लेकिन तेरा काम चल पड़ेगा जी। फिर उसके बाद आज की वीडियो में फिर दोबारा से इसने ससुराल की बुराई करी, वही ससुराल ससुराल। जब कोई टॉपिक नहीं होता, कोई कॉन्टेंट नहीं होता, सब कॉन्टेंट हस्बैंड पति जुबिन डॉक्टर सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो आखिरी में कॉन्टेंट आ जाता है दोबारा ससुराल वाला। जिस ससुराल की इतनी ज्यादा बुराई करी थी, इतनी वीडियो बनाई थी इसने, फिर वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी, इसने बोला था आज के बाद मैं कभी नाम नहीं लूंगी ससुराल वालों का, फिर उसी ससुराल की ये राग गा रही थी।
कि मेरा बच्चा बोल रहा था दादी दादी, अरे जब तुम अपने बच्चे से इतना प्यार करती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा कहीं ना कहीं बड़ा होके, भाई काम तो देखो वो लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, तुम्हारा बच्चा अगर याद कर रहा है तो इतना घमंड करने की उस टाइम पे क्या जरूरत थी। और तुम्हें भी पता है कि गलती तुम्हारी थी, तुम क्यों किसी के बेडरूम में गई, लेकिन ये कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ मेरी भी गलती थी। अगर ये अपनी गलती मान लेना तो शायद इसके रिश्ते सुधर जाएं। ये कमेंट करने वाले ने तो कमेंट ये भी किए हैं कि बच्चा कुछ नहीं याद करता, आज ही बच्चे को कैसे याद आ गई इतने टाइम बाद, ये जो है ऑफ कैमरा ये वाली बातें करती है, फिर जब वो बच्चा बोलता है तो ये कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर लेती है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ये बार बार बोलती है ना कि आज भी बोल रही थी कि लोग मुझे बोलेंगे तो फिर दोबारा से झूठी कहानी बना रही है, स्टोरी बना रही है, तो लोग बोलेंगे ना यार जब तुम 100% झूठ ही बोलती रहती हो, हर बार झूठ बोलती रहती हो, और वही कहानी है कि जब तुम एक बार सच बोलोगे तब भी लोगों को झूठ लगेगा, तो इसलिए लोग तुम्हें ऐसे कमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे उस लाइव की आई जो उसने एक दिन एक रात को की थी, ठीक है, लाइव करके जो उसने तमाशा कराया ना वहां पे, मतलब बोलती रुको रुको मैं भी आती हूँ फिर आप लोग बोलोगे कैसी लग रही है कैसी लग रही है। भाई इसने मुंह धोया तो नहीं, लेकिन हाँ इस दिन उसने ये जरूर बोला था कि देखो आज मैं नहाई नहीं हूं, मतलब ये नहीं नहाती, अपने मुंह से बता देती है, लेकिन फिर भी लोग आके जो इसको सपोर्ट करते हैं उल्टा सीधा कमेंट करेंगे समझाने की बजाय। इसने जो है पूरा मेकअप करा, लिपस्टिक लगाई, उसके बाद भर भर के आंखों में काजल लगाया। फिर चीज अगर आपने नोट की होगी, इसका बच्चा वहां पे ये भी बोल रहा था कि टीवी देखना, इसने बोला टीवी तो यहाँ पे नहीं है, टीवी तो नानी के घर है, जा नानी के घर चला जा वहां पे देख ले। इतनी आधी रात को बच्चे को बोलती अकेला कि जा नानी के घर जा और वहां पे देख ले, तो इसकी मम्मी कहीं झूठ नहीं कहती, कहीं ना कहीं वो औरत सच बोलती है कि ये अकेला घूमता फिरता रहता है बेटा, मुझे डर लगता है, ये कभी रोड पे निकल जाता है, बाइक आती है स्कूटर आती है, वो बिल्कुल सच बोलती है। और फिर इसने पूरा मेकअप करके लेट गई, फिर इसने डिमांड की हस्बैंड की, हटाने लगी कि भाई ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अरे भाई ऐसा चाहिए शादी.com दुनिया भर के साइट खुले हैं, वहां जाके अपना जो है एक प्रोफाइल बना, वहां जाके मिल जाएंगे, तेरे को लाइव से मिलेंगे क्या, और लाइव में तो इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, मतलब इसको फिर भी शर्म नहीं आती है, क्या बोलती है लाइव में क्या नहीं बोल रही, मतलब कि पूछ रही है बता रही है लोगों को ऐसा हस्बैंड चाहिए, ड्रिंक ना करता हो ये ना करता हो, ऐसा समझ रही है लाइव को, तो ऐसा समझ रही है जैसे भाई यहीं से इसको ना लोग आएंगे अभी प्रपोज करने। अच्छा अब आप सब लोग जो है ना कमेंट करके बताना झूठी के ढाबे से कौन कौन जो है टिफिन सर्विस लेना चाहता है, किस किस को हाई प्रोटीन वाली डाइट चाहिए, प्रोटीन आपको पता है किससे मिलता है, वेज और नॉन वेज दोनों से मिलता है, तो ये अपना मजाक जो है खुद बनवाती है हमेशा की तरह, जैसे ये पहले झूठ बोलती थी, झूठे झूठे कॉन्टेंट सोचती थी जिससे लोग इसे ट्रोल करें, और इसने फिर दोबारा से ये वाला एक नया कॉन्टेंट निकाला है अपना टिफिन सर्विस का। जैसे इसका ट्यूशन सेंटर इतना जो है चल गया है ना, आपको पता है कितना नाम रोशन हो चुका है, इसी तरह इसका झूठी का ढाबा भी जो है बहुत जल्दी नाम कमाने वाला है। तो बने रहिए आप लोग भी झूठी के ढाबे के साथ, और ये नया कंटेंट जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि हस्बैंड जुबिन बॉयफ्रेंड मिस्टर एम पता नहीं फलाना ढिमकाना हर चीज से ये निकल चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद एक नया कंटेंट सोचा है इसने, ये टिफिन सर्विस वाला, तो देखते हैं ये कहां तक सक्सेस होता है। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, आप अपनी राय जो है जरूर रखिए कमेंट में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।